बैठक जिला अधिकारी के कक्ष में आहूत हुई, जिसमें माननीय सांसद के प्रतिनिधि और विधायक के तौर पर हमारे और अन्य साथियों ने भाग लिया। मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के आने के बाद झारखंड में बदली हुई परिस्थितियों पर विमर्श के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में गंभीर विमर्श के बाद यह विचार किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होम क्वारंटीन या पंचायतों में, स्कूल या पंचायत भवन में जो क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए गए हैं उसमें रखने के लिए प्रेरित किया जाए। लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है कि उनको ये बताया जाए कि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र बचाव का साधन है, और विभिन्न जगहों में फंसे हुए स्टैंडर्ड जो पीपल हैं जिनको लाने के लिए लगातार विभिन्न जनप्रतिनिधियों से लोग संपर्क कर रहे हैं, उसके संबंध में भी डीसी साहब ने क्वालिफिकेशन दिया कि विभिन्न ई पासेस के जरिए और बाकी चीज़ों के जरिए हम लोग उनको ला सकते हैं। और नगर क्षेत्र में चूँकि नगर निगम के प्रशासक भी यहाँ मौजूद थे, उपायुक्त नगर आयुक्त मौजूद थे, हम लोगों ने यह प्रयास किया कि कम से कम 15 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर कि बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर, वो चाहे एसिम्प्टोमेटिक हों चाहे सिम्प्टोमेटिक हों, दोनों ही परिस्थिति में इनको क्वारंटीन किया जा सके। कुल मिला जुलाकर ये जो भी अभी कोरोना काल में आपदा के समय में जो भी तैयारियां चल रही हैं उसकी समीक्षा के लिए बैठक थी, और हमको लगता है कि इस समीक्षा बैठक में तमाम लोगों के विचारों के बाद जो प्रमुख विचार निकले हैं इनका अनुपालन करने से हम लोग इस कोरोना काल में गिरिडीह को बेहतर मुकाम पर रख पाएंगे।